लोग आते हैं और चले जाते हैं, रह जाती है उनकी कर्म, उनकी किया हुआ कार्य। एवं उक्त बातें सर्वोदय प्लस टू विद्यालय पिरोटा में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कई शिक्षकों ने कहा। अवसर था श्री त्रिभुवन पाठक जी का सेवानिवृत्त होने के उपरांत विदाई समारोह का। इस विदाई समारोह में जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के वरीय शिक्षक ने की, काफी संख्या में लोगों ने उन्हें फूल माला और अंग वस्त्र देकर विदाई समारोह में त्रिभुवन पाठक का स्वागत भी किया। इस अवसर पर त्रिभुवन पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्म सबसे प्रधान है और सभी व्यक्तियों की चाहिए कि समय के अनुरूप समय के साथ चलना चाहिए। इससे भी बड़े अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें जिसका प्रभाव बच्चों के अलावा आम जनता और समाज के प्रति ज्यादा रहेगा। पापा बोल तो दिए कि घर पे बहुत समय देंगे, लेकिन सबको पता है वो सामाजिक आदमी है। घर पे तो रहेंगे लेकिन समाज में सर्वाधिक रहने वाले। पढ़ना उनका काम को सहयोग देने के अलावा समय निकाल करके अपने गुरु के द्वारा दिए हुए पाठों का अध्ययन करना। देखिए, अगर आपका दिल अलाउ कर रहा है, नैतिकता अलाउ कर रही है, वही काम कीजिए, वो आपके लिए जरूरी है। बच्चों, तुम लोग को भी एक चीज हमेशा कहेंगे, जीवन में समय निष्ठ होना जरूरी है। समय के साथ चलोगे तो जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे। या हमारे जो स्टाफ है उनको भी उम्र मेरी ज्यादा है, दूसरा को मैं एक राय दूंगा, समय निष्ठ होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अगर समय निष्ठ रहेगा वो विद्यालय ही नहीं, परिवार के या कहीं भी समाज में पिछड़ नहीं सकता है, वो उसको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन का एक मूल मोटो बना लीजिए, समय निष्ठ होना। नंदन करते हैं, नंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी बच्चों को देखने को मिले। समय कम है, धोखा है, फोटो सेशन है, बस 2 से 3 मिनट का होगा, आप सब अभिभावक बैठे रहेंगे। आप नई जिला में पाएंगे और मैं आशा करता हूं आप इसको और खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। आपको गर्व होना चाहिए कि जिला का कोई भी विद्यालय आपके विद्यालय से सुंदर नहीं होना चाहिए। किसी बात का तो आपको भ्रमण होना चाहिए, कम से कम यही क्षेत्र चुनिए। कम बच्चे हैं लेकिन जिला में राज्य में स्थान रखें। यहाँ से जाने के बाद ही मैं आऊंगा, जाने के समय में तो जरूर आऊंगा निकट भविष्य में, और इस जो हमने जो बगीचा लगाया है, बगिया लगाई है, उसको खूबसूरत बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी के सीजन वो सीजन नहीं है, इसलिए उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। तो मैं खुद आऊंगा और कुछ पुष्प ले आकर के यहाँ लगाऊंगा, आपसे सहयोग चाहूंगा कि आप लगाएं और यह हमेशा विद्यालय खिला हुआ नजर आए, अपने खुशबू से समाज को सुगंधित करते रहे। हम लोग का सौभाग्य है।